हाय फ्रेंड्स, सबको नमस्कार। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मेरा चैनल में मैं एक Huawei GT2 का गिव अवे करूँगा। ये कुछ दिन पहले लिया था और एक गिव अवे करूँगा बड्स प्लस का भी, ये ब्रांड न्यू है। मैं इसका एक वीडियो पोस्ट करूँगा, उसमें मैं सब डिटेल में बताऊँगा। फिलहाल ये काफ़ी आदमी ऑफर में लिया है, इसका एक प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं आता है। मैं इसके लिए एक प्रोटेक्शन मंगाया था, स्क्रीन गार्ड। बेस्ट रिव्यूज़ है इसका फ्लिपकार्ट में। चलिए इसको अप्लाई करते हैं, फिर मैं बाकी डिटेल्स बताऊंगा। ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था, काफ़ी दिन लग गया है, लगभग 15 दिन के आसपास लग गया। पैकिंग अच्छा है लेट होने से भी, कहाँ से इसका सील भी इतना अच्छे से किया, ये कैसे कहाँ से खोलना ये भी दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से ओपन लग रहा है, शायद सिंगल पीस दिया डबल पीस दिया पता नहीं। यहाँ तो मोबाइल का दिया आईफोन का, लेकिन ये वॉच का भी दिया फ्रंट में। ये एक्सटेंड तो ब्रांडिंग है, रिव्यू अच्छा है इसका। मैं भी कभी यूज़ नहीं किया इस ब्रांड का। ये आगरा से बना हुआ, ये मेड इन इंडिया है। और चलिए इसको देखते हैं अभी कैसे अप्लाई होते हैं, सही लगता है। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, इसमें जस्ट छोटा सा करूड़ है स्क्रीन, ये करूड़ में करेक्ट सेट होना चाहिए। मैं Huawei में भी स्क्रीन गार्ड अप्लाई करूँगा, उसका अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से इतना कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं है। एज यूजली दिया है ये कुछ स्टिकर्स डस्ट क्लीनिंग का, और पैकिंग ज़बरदस्त है, शायद लगता है सिंगल पीस दिया है, थैंक यू करके लिखा। और एक छोटा सा कॉम्प्लीमेंट दिया, ये पेटीएम में आपको 51 रुपीज़ का कैशबैक मिल जाएगा। ब्रांड कैसा भी हो, पैकिंग ज़बरदस्त लगा। ये एक ये इसका टेम्पर ग्लास है, देख सकते हैं अंदर में एक स्टिकर लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा। ये प्लास्टिक टाइप का लग रहा है, देख सकते हैं बेंड हो रहा है, इसका मतलब सही से अप्लाई हो जाएगा। और सिंगल पीस ही दिया, बाकी ये सब कुछ कॉटन क्लॉथ है, वाइपर है, ये सब कुछ है, इसका कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास ऑलरेडी एक कॉटन क्लॉथ है, इसी से मैं साफ करके अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहले इसका स्विच ऑफ कर देते हैं, लगता है अच्छे से साफ कर लिया, कोई स्टिकरिंग की ज़रूरत नहीं। अभी तक इसमें स्क्रैचेस आया नहीं है, मैं काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया, एक हफ्ता हो गया था। थोड़ा हाइट में लेके करते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा हाइट। अभी फ़िलहाल इसका स्टिकर निकालना है, एक बार फाइनली देख लेते हैं, कहीं से भी डस्ट तो नहीं लग रहा है। दो पीस देना चाहिए था, इसका रेट है 254 है, मेरे को लगता है सही सही बैठ जाएगा। हर तरफ से सही से हो गया, थोड़ा बबुल्स आया हुआ है, इसको मैं हम लोग इस तरह रफ कर देते हैं। अभी थोड़ा कपड़ा सा रगड़ के मैं आपको फिर दिखाऊंगा। ये स्मूथ क्लास से मैं पूरा इसको रफ किया था, बबल्स निकल गया। अभी एक बार स्क्रीन ऑन करके देखते हैं, इस वॉच में यही एक कमी है, ये बेजल्स थोड़ा दिखता है, वही वॉच में इस तरह नहीं होता है। लेकिन बैटरी बैकअप कम है, एक्यूरेसी ज़बरदस्त है, डिस्प्ले ज़बरदस्त है। अभी भी ऑफर में मैं 10,000 में लिया था, अभी इस कलर का खाली रेट बढ़ा दिया। अभी एक बार देखते हैं टच अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, टच अच्छा काम कर रहा है, एक बार वॉच फेस भी चेंज करके देखते हैं।
ओके, वॉच पेस भी चेंज हो रहा है, कोई भी वॉच पेस चेंज कर सकते हैं आप आराम से। टच का मामले में कोई कंप्लेंट नहीं है, बढ़िया है। इसका लिंक मैं दे दूंगा, परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में। कैसे लगा बता दीजिए। और एक बात है, मेरे चैनल में हुआई GT2 का गिव अवे चल रहा है, आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं।